हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए यहां पर एक वीडियो बनाई थी और आपको यहां पर बताया था बेस्ट केमिकल स्टॉक्स जहां पर अनुपम रसायन बहुत बार इससे रिलेटेड यहां पर वीडियो बनाई है और बार बार बता के आपको बताया था अगेन यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे और यहाँ पर चीजें समझेंगे तो स्विंग ट्रेड में तो पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में और बेहतरीन पैसा बनेगा इसलिए जाके वीडियो को जरूर देखें सॉरी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक जो कि किस में काम करते हैं जो कि पर ट्रेडिंग कह सकते हैं या फिर यहाँ पर ब्रोकिंग स्टॉक कह सकते हैं ओके okay, ब्रोकिंग स्टॉक्स से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना के दिखाएंगे ब्रोकिंग स्टॉक्स होता क्या है वो आपको पता ही है ब्रोकिंग स्टॉक की होता क्या है सिंपल जो स्टॉक्स यहाँ पर आ, आपको आपके डीमेट अकाउंट्स को भी ओपन करते हैं ओके okay, और डीमेट अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आ, यहाँ पर आप जो ट्रेडिंग करते हैं ऑब्वियस सी बात है कहीं कही ना कहीं आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो वो कंपनीज तो वहीं पर ही ब्रोकिंग स्टॉक्स है वो जहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा बट मैं बात नहीं करने वाला एंजल ब्रोकिंग की मैं बात नहीं करने वाला किसी दूसरे स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ सिंपली अः पर दो माइक्रो कैप से रिलेटेड या स्मॉल कैप स्टॉक से रिलेटेड दोनों स्टॉक्स को काफी बार कवर अप किया है तो आइए वीडियो की तरफ जान जाते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्टॉक्स की जिसका नाम है आदित्य बिल्लो में देखें, यहाँ पर पर की हमेशा उठाई जा रही है। okay, as well as यहाँ पर और भी कुछ चीजें देखेंगे तो यहाँ पर यह शेयर लगभग एट का, uh, का हाई बना के ओके okay, यहाँ पर लगातार गिरावट है uh, यहाँ पर बात करें फिफ्टी एट रुपीज पे ये यह शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है तो अब यहाँ पर करना क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले यहाँ पर कुछ जान लेते हैं देखिए ये काफी का बेहतरीन कंपनी है आदित्य बिरला सब्सिडरी आदित्य बिरला मनी लिमिटेड सब्सिडरी है किसकी आदित्य बिरला कैपिटल की इस इंगेज इन ऑफरिंग इक्विटी एंड डेरिवेटिव ब्रोकिंग सर्विसेज में यहाँ पर ये काम करती हुई दिखाई देती है मार्केट कैप तीन करोड़ का है, तो माइक्रो कैप है ओके और माइक्रो कैप में रिस्क भी होता है बट याद रखिए जहाँ पर रिस्क है पैसा भी वही बनेगा पी बारह का पी है और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी नौ है तो कहीं ना कहीं महंगा है ओके बट स्टिल यहाँ पर उसी रेंज के आसपास है और यहाँ पर बुकिंग काफी बेहतरीन कर भी रहा है डेबिट की डेट की बात करें डेट नाइन का है लगभग नौ का डेट है इसे देखना है बिल्कुल नहीं देखना क्यों नहीं देखना क्योंकि कंपनी लैंडिंग के काम में भी है यहाँ पर यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आती है तो इसलिए उधार देती हुई नजर आती है तो इसलिए इसे, इस चीज को यहाँ पर देखना बेवकूफी होगी तो इसे बिल्कुल मत देखिएगा आर ओई आर ओ सी पॉइंट एट का बट आर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें फोर्टी का जो की काफी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर पीजी रेशोट थ्री पॉइंट का मतलब यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आता है वन के नीचे रहता है तो अच्छी चीज रहती है इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं

क्यों क्योंकि कंपनी यहाँ पर अच्छे रिटर्न पेश कर रही है बार बार अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं हाइएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं एज वेल एज ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसलिए शेयर गिर नहीं रहा है और भाग इसलिए नहीं रहा है एक तो मार्केट में वैसे ही गिरावट है दूसरी बात इस गिरावट से पहले भी यहाँ पर एक इस तरीके का फ्रॉड हुआ था इस वजह से यहाँ पर शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर नहीं आ रहा बट ये अब एक पुरानी न्यूज हो गई है कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ किया हो तो सब चीज यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन तो अब शेयर भागता हुआ नजर आएगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं

160 रुपीस का स्टॉक था जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी थी बट अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है शेयर को ऊपर जाना है तो थोड़ा सा यहां पर पेशेंस के साथ अगर वेट करके इसे शेयर में इसकी गिरावट में यहां पर बाइंग कर लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो एक तो आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे पास ये शेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है ओके और इसे आ, यहां पर रिकमेंडेशन बिल्कुल समझ की बात बढ़ रहा है। बात है बढ़ती कुछ और कैश की बात करें तो लगभग चार करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है प्रोमोटर्स शेयर को बेच नहीं रहे हो। अच्छे प्रोमोटर्स वही माने जाते हैं जो अपने शेयर को बिल्कुल नहीं बेचते 0.15 परसेंट पब्लिक डीआईएस कुछ नहीं पब्लिक की बात करें छब्बीस परसेंट में बड़े बड़े लोग होंगे और जब ये शेयर भागना शुरू करेगा याद रखिए अभी वॉल्यूम्स नहीं आ रहे जिस दिन वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए ये शेयर जिस तरीके से यहां पर भागा था ना उसी तरीके से भागना शुरू करेगा तो इसी तरीके से देखिए कंसोलिडेशन करता है भागता है है कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करता ये पूरा 2020 से ले से लेके 2021 था, था फिर एक साल भागा और इसी तरीके से दोबारा अब ये कंसोलिडेशन है एक साल का कंसोलिडेशन है लगभग अगस्त दो से लेके ओके यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जैसे यहां पर भागना शुरू करेगा अच्छे रिटर्न आएंगे सीधे आएंगे और इसके चार्ट जो कह रहे हैं ना यहाँ पर देखिए सबसे पहले सपोर्ट एक बेहतरीन सपोर्ट में बार बार यहाँ पर

होती हुई नजर आएगी क्योंकि एक बुलिस्ट सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है जो कि ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगा तो पर पर जिस दिन यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस किया तो याद रखिए अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आ सकती है तो यहाँ पर आ, कब तक तेजी होती हुई नजर आएगी तो यहां पर नवंबर दिखा रहा है तो नवंबर से पहले मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट दे होते शेयर ऊपर नजर आएगा अभी पचास पे मिल रहा है आने वाले टाइम पे सौ पे मिलेगा डबल के रिटर्न तो यहां बनते हुए नजर आ रहे तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है ध्यान देना है अब बात करेंगे एक और स्टॉक से जिसका नाम क्या है जिसका नाम है एस MC. ग्लोबल बार बार इस स्टॉक को मैंने नीचे सत्तर पे भी बताया अस्सी पे भी बताया पहले नब्बे दोबारा लगातार ही नहीं है लगातार गिरावट थी और अब दोबारा धीरे धीरे शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है लगभग सिक्सटी की यहाँ पर डिलीवरीज कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर अच्छा खास बार बार रिजल्ट पेश करती हुई नजर आती है क्यों क्योंकि कंपनी अच्छी खासे बिजनेस बड़ी बड़ी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं तो एस ग्लोबल यहाँ पर अच्छा खासा काम करता हुआ नजर आता है तो एस ग्लोबल की तरफ आपको क्या करना है एस ग्लोबल की तरफ भी ध्यान देना है बट इससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है इन इंडिया एंड अब्रॉड में भी काम करती है निकल जलाती है वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट 1990 से यहाँ पर ये कर काम कर रही है और ब्रोकिंग सर्विसेज भी देती हुई नजर आती है इक्विटी डेरिवेटिव्स ये सब और इनका जैसे आप जेरो एंजल बुकिंग का ऐप यूज करते हैं सेम आप इसे मोबाइल पे इजीली पर यूज करते हुए दिखाई दे सकते हैं अगेन माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कह सकते हैं एक एक हजार बत्तीस करोड़ रुपए की माइक्रो कंपनी है बट ये ब्रोकिंग कंपनी धीरे धीरे आगे चल आने वाले दस से पंद्रह साल में यहाँ पर टेन टाइम्स और हंड्रेड टाइम्स होने की पूरी काबिलियत रखती है तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान देना है पी फाइव का है ओके okay, और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी छब्बीस का है तो कहीं ना कहीं बहुत सस्ता नहीं बहुत सस्ता है यहाँ पर स्टॉक्स है और आर ओ सी आर ओ ही देखेंगे जो कि काफी अच्छा माना जाता है डेट फिफ्टी तो, पॉइंट फाइव टू परसेंट है तो, फिफ्टी टू परसेंट है इसे आपको देखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये मार्जिन देते हैं तो ये यह ग्रो यहाँ पर लैंडिंग का काम हो जाता है इंट्रेंसिंग वैल्यू दो सौ चौतीस रुपये की है और यहाँ पर शेयर इक्यानवे का चल रहा है बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है तो यहाँ पर दो सौ चौतीस रुपए भी जाता है तो लगभग डेढ़ तक के रिटर्न तो यू ही मिल गए आपको फेस वैल्यू दो की है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब शेयर आया था फरवरी दो में ओके okay, उस टाइम था और यहाँ पर लगभग लगभग एक साल अब शेयर को हो गया एक लंबा कंसोलिडेशन कर लिया और धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर और बात करें यहां पर कंपनी की तो यहाँ पर देखिए सेल्स कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है इस बार की भी सेल्स हाईएस्ट एवर है ऑपरेटिव प्रॉफिट यहाँ पर हाईस्ट एवर आ रहा है और कंपनी का मार्जिन की बात करें एक दो क्वार्टर से मार्जिन यहाँ पर कम आ रहा था इसलिए शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा था बट मार्जिन अब अच्छा आ गया है चौबीस परसेंट का जो कि क्वार्टरली ईयर दोनों बेहतरीन है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पर ईपीएस बढ़ रहा है जब तो यहाँ पर सब चीज धीरे धीरे बढ़ रही है शेयर को ऊपर नहीं होना चाहिए ऑब्वियस सी बात है ऊपर होना चाहिए और शेयर ऊपर जाएगा ही याद रखिए तो इस शेयर की तरफ क्या करना है ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर विजन भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म में लगातार इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट चार करोड़ का था दस साल पहले अभी लगभग दो सौ पिचासी करोड़ का है जो नेगेटिव में परफॉर्मेंस आता था एक सौ चौहत्तर करोड़ प्रॉफिट पेश कर रही है यहां पर देखिए रिजर्व तीन सौ तिरानवे करोड़ का रिजर्व थ्री टाइम्स हो गया बॉरिंग की बात करें कंपनी कंपनी की बॉरिंग बढ़ रही है और बात है बात मार्जिन के ज, 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 जैसे जैसे बिजनेस फैला रही है काम भी उसी तरीके से कर रही है कैश की बात करें बारह सौ बयासी करोड़ का कैश है और यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है सिक्सटी टू पॉइंट थ्री सेवन बल्कि यहां पर प्रमोटर्स ने जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है इसके अलावा यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट की

ने क्रॉस किया तो मुझे नजर आता है कि ये शेयर अब अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा जब यहाँ पर, तो यह पर, तो पर आएगा तो एक तेजी होगी और तेजी होने के बाद ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा मैं इस शेयर पर बुलिश चुकी क्यों क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी है एज वेल एज रेनॉन कंपनी है एज वेल एज कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो जब सब चीज यहाँ पर आपके में हो और पी रेशो जब सस्ता है यहाँ पर ये शेयर दिखाई दे रहा है जब सब चीज अच्छी दिखाई दे रही है तो अभी यहाँ पर शेयर को लेंगे थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ आएगा तो बैंक वाले की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनल खुद की शेयरी करनी है थैंक यू सो मच